अरे गुण आ रहे हो, अरे गुण हो क्यों सेटा पिछाण बन गए? अरे ओ काई जांबड़ा में लियो सरपंचा ओ हां। अरे वो कहीं है के बार रोड़ो चाले बहुत को तो सुजानगढ़ के मायने कहीं रोड़ो है कह के हेलमेट लगाओ माथे के ऊपर। तो हेलमेट बाजार में लगाना कह रहे थे तो लगाया फिर रहे हो खेता में। अरे बाजार में कहीं पांच बार चलान काट दियो मा तो यहाँ तो डर बैठे है के मैं तो कड़ी घरे में ही बैठे रही नी तो लगाड़ो रखू कड़ा आ जाबो हेलमेट लगाड़ा रखो तो कहीं करा तो पांच बार चलान काट दियो कड़ाई घंटा घर कर मिल जा कड़ाई स्टेशन रोड पर मिल जा कड़ाई कोठे रोड पर मिल जा एक दिन तो खेत में मिल गयो। खेत में मिल गया मन तो यहाँ लगे के पुलिस वाला नी ट्रैफिक वाला ए मारता ही नियम काटे मारू कोई बेर काटे कोई नहीं नियम तो संत ही काटे है संत ही काटे है संत ही काटे है तो लेकिन वो काटे बाजार वाजते थे तो खेत में ही लगाए फिर हेलमेट। मैं झूठ कौन बोलू डर बैठ गयो मारे डर बैठ गया मारे पांच बार जुर्माना टेक दिया था मैं जानू दो दो सौ तीन तीन सौ रुपए कटू लिया मैं तो किसान आदमी हूँ बात तो ठीक है लेकिन वो हेलमेट था ओप्पा को नहीं ओप्पा को नहीं वो तो देखो आने दो राम 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 अरे राम राम ओ दान पकड़ो और दे धाकड़ो हेलमेट ही लगाओ ओरिजिनल ही हां ओ हेलमेट मारो ठीक है ओ लगाओ हां हां ओ हेलमेट बहुत बढ़िया है ओ तो पुरानो हेलमेट तो वही है ओ पुरानो है ओ तो कहीं है बरसा पहली चलियो नी वो हेलमेट है अरे सारे टाको नहीं ओ हेलमेट ही हो वास्तव में ये तो सपा सपा नाम ही काट दिया इसका बहुत फायदा है। अच्छा बताओ तो सही जा देखो जा ओ नहीं ओ तेरा को जना मोटरसाइकिल को एक्सीडेंट हो जा जना आदमी मरे को नहीं मरे को नहीं और ओ लगाड़ो रखा नहीं जा लुगाई को मारेड़ो कौन मरे के दे अच्छा लटकी कौन बड़े समझ गया लटकी कौन बड़े पहली काई मोटार लुगाई लड़ता नहीं लुगाड़ती सोट राख दी सीधो टेकती ओ लगाड़ो तो नहीं जाकी कौन बिगड़ तो पुराना हेलमेट है पुराना चाल रहे है लुगाया काई करे रसोई में बैठी रीस आवनी सीधी बेलन फेंक गए ओ हेलमेट बचा ले ओ हेलमेट बचा ले बहुत जोर को काम है मारे काई के एक पड़ोसी मन काई के कह रो थे शादी ना सो काई बात है था लड़ाई को नहीं होएगी सही है मैं क्यों लड़ाई हुए अपने सा क्यों किया क्यों मैं क्यों के बा बेलन फेंके नहीं ना मैं झुक जाऊं निशानो चूक जाता मैं सु अरे मारा बटीर लाग जाता बस ये बोल मैं शादी ना सही इको एक फायदो हो रहा है कहीं ये पगड़ी को कहीं है और कहीं है कि कहीं मौके टोके की जाओ हाँ और कहीं है यहाँ को प्रोग्राम बैठ दिया कोई ब्याह शादी चालती हुए हाँ और बाजी की बींदनी एक बार नट जाओ नहीं पेलोड़ा बींदू फेरा ग्रिण में ओ बंदड़ो दिखे एक जना हाथों हाथ बिठा दे और फेरा ग्रा दिए अरे सच्ची बात है बड़ा फायदा है पगड़ी का फायदा है कई जगह कहीं है कपड़ा उतार लेने लोग कॉमेडी को कार्यक्रम देख रहे हो बिक माने हंसी मजाक की बात अलग हुए हेलमेट की हो चाहे सप की हो लेकिन हेलमेट लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हेलमेट लगा थे मोटरसाइकिल चलाओ तो थकी जिंदगी बची थकी जान बची। आपा देखा के अधिकतर दुर्घटना की वह भी के मायने आदमी मरे सिर में चोट लागनो मरे और कटी अगर आपके लाग जा तो अगर टाइम पर आप अस्पताल पूग जाओ तो आपकी जान बचाई जा सके लेकिन हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है और हेलमेट बढ़िया कंपनी को लगाओ अगर हल्की कंपनी को हेलमेट है तो अगर थांकी जान नहीं जान आ रही है तो भी जा सके क्योंकि ये हेलमेट के साके थांको मा तो पिंची जा और आपकी जान जा सके इस खातर ISI मार्को बढ़िया हेलमेट लगाओ और हेलमेट लगा रही यात्रा करो जान बचाने खातर। दूसरी बात आप पर सपा की बात करा आपने राजस्थान की आन बान और शान को प्रतीक सपो मान लीजिए और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का सपा अलग तरह की पगड़ी बांध दीजिए अपना सेठ अलग तरह की पगड़ी बांधता राठौड़ अलग टाइप की पगड़ी बांधता किसान अलग टाइप की पगड़ी बांधता ई राजपुरोहित जी हमारा सागे है जगह आप देख रहे हो के अटे जोधपुरी सापा को बहुत जोरदार काम करे हर तरह का सापा चाहे वो बीन को साप हो चाहे होली को साप हो सब तरह का सापा बंधा है। अजी मन आप बताओ का अपने राजस्थान में कति तरह का सापा बांधी जाए सापा राजस्थान में कई तरीका बांधी जाए जी जिसिया देश के जिसिया जिला जिला वाई है बाड़मेरी साप हो जोधपुरी साप हो बीकानेरी साप हो लेकिन सबना बढ़िया साप हो एक तो शिवजी पेरा के वो है एक मैं खुद पैर रखा हूँ। ओ मारो किसे सापो है? इन जोधपुरी सापो बोले। अच्छा अर्थांगलो? राठौड़ी सापो बोले। ओ जो को बीन पैर रखे हैं आपने? सुरंगो। हाँ सुरंगो सापो बोले। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो खेतेश्वर सापाल की जिकी दुकान है। बिपरू में सापो बांध रहता आपने कार्यक्रम कमाए ना हूँ और जो को सुंदरता जिकी आपने सापा कमाए ना आपने पगड़ी कमाए ना
बा कोई चीज का मायने कोई कोई सी टोपी का मायने कोनी, क्योंकि यह कह रहे हैं कि आगलन टोपी उड़ा दी, लेकिन कदी को नहीं कहेगा आगलन सब उड़ा दियो। टोपी उड़ानी मतलब आगलन चकमो देनो, आगलक सागे धोखो करनो, और सब उड़ानो माने आगलको मान सम्मान करो, और आपनो सब आपनी पगड़ी शान की प्रतीक है, इज्जत की प्रतीक मानी जाए। पहली कोई भी जब काम पकड़ो तो सब की पगड़ी की दुआई देता इज्जत का खातर। इस खातर याद रखो आपनो सपो अपनी पगड़ी अपनी आन बान और शान को प्रतीक है, और वो हेलमेट है वो सुरक्षा को प्रतीक है। इस खातर मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट पैर ही चलाओ। और देखो ए कई रेडीमेड सप आवे ए टोपिया सा की वे है, लेकिन सुंदरता जी की पगड़ी मेरी सब पगमान है बाकी में नहीं है। आपने अपनी राजस्थान के पहनावे पर अपनी राजस्थान की संस्कृति पर गर्व है।